सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा 108 से एसडीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे मोहम्मद कैफ़ुर बंटी। आपको बता दें कि एसडीपीआई को भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में अब सीवान के रघुनाथपुर से मोहम्मद कैफ़ुर बंटी को आजाद समाज पार्टी का भी समर्थन प्राप्त होगा। आपको बता दें कि लगातार पिछले कई महीनों से मोहम्मद कैफ़ुर बंटी लगातार रघुनाथपुर विधानसभा में दौरा कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि अब उनका टिकट भी फाइनल हो गया है, तो ऐसे में बहुत जल्द मोहम्मद कैफ़ुर बंटी अब सिंबल के साथ जनता के बीच जाएंगे। आपको बता दें कि इस सीट पर जदयू ने राजेश्वर चौहान को तो राजद ने वर्तमान विधायक हरिशंकर यादव को मैदान में उतारा है। ऐसे में मोहम्मद कैफ़ुर बंटी का एसडीपीआई के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरना वाकई दिलचस्प होगा। बहुत जल्द मोहम्मद कैफ़ुर बंटी नामांकन के तारीखों का भी ऐलान कर सकते हैं। मोहम्मद कैफ़ुर बंटी ने कहा है कि जात पात की राजनीति को खत्म करने आए हैं और युवाओं को रोजगार न मिलना एक बहुत बड़ी समस्या है। जीतने के बाद इन समस्याओं को दूर करना ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी।